हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्री कृष्ण। गुड मॉर्निंग, कैम जो कैसे आप लोग। आज का व्लॉग शुरू करते हैं और अभी मैं बाहर जा रहा हूँ। आज मैं गांधीबाग आया हूँ। गांधीबाग गार्डन एक बहुत मस्त गार्डन बना है यहाँ पे, और ये आया है चौक एरिया में, चौक एरिया सूरत, चौक बाज़ार के पास। तो मैं आपको यहाँ का थोड़े शॉट्स लेता और यहाँ के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो वो आपके साथ शेयर करूँगा आज। वैसे तो गांधीबाग बहुत ही बड़ा है, लेकिन यहाँ पे बैठने के लिए भी बहुत मस्त है। ये आप मेरे पीछे देख रहे हो, बैठने के लिए बहुत मस्त रखा है और यहाँ पे एकदम ग्रीनरी है, फुल ग्रीनरी है। यहाँ पे अभी क्रिकेट के लिए भी बहुत बढ़िया ग्राउंड है, बहुत बड़ा भी ग्राउंड है। यहाँ पे सब अभी क्रिकेट ही खेल रहे हैं। मैं आपको क्रिकेट का भी व्यू दिखाता हूँ। और अभी आपने जो देखा वो यहाँ पे इक्विपमेंट रखे थे, और यहाँ पे दूसरे ऐसे भी यहाँ पे इक्विपमेंट्स है, यानी अलग अलग प्लेस पे रखे हैं सब। तो चलिए मैं आपको आगे का व्यू दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लोग मेरे पीछे जो आवाज़ सुन रहे हैं ना, वो यहाँ पे बर्ड की है। यहाँ पे इतने बर्ड है ना, क्योंकि ये पूरा ग्रीनरी है तो यहाँ पे बर्ड तो बहुत ही है। मुझे भी यहाँ पे ध्यान रख के चलना पड़ेगा। बहुत मस्त प्लेस है वैसे देखने जाए तो। यहाँ पे इतनी ग्रीनरी भी है और आपको एकदम मीन्स बढ़िया वेदर लगेगा यहाँ का। हम यहाँ पे बीच में आ चुके हैं। यहाँ से बीच में से ऊपर एक रास्ता भी निकल रहा है, वहाँ से बहुत मस्त हुई है, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ।
के ऊपर साइड एक जगह थी, वहाँ पे आया हूँ। वहाँ से आपको जो एंट्रेंस है वो मैंने आपको दिखा दी, वहाँ से आप यहाँ आ सकते हो। बहुत ही मस्त यहाँ से व्यू, बहुत ही मस्त है क्योंकि एक साइड पूरी तापी नदी है, सामने ही तापी नदी है, ब्रिज है और बहुत मस्त व्यू आ रहा है। पसीना हो गया बहुत आई नो, क्योंकि यहाँ पे अभी एकदम गर्मी का माहौल है, इसलिए विंटर में भी इतनी गर्मी पड़ रही है कि पसीना पसीना ही हो जा रहा है। कोई बात नहीं, हमें आपको आगे का थोड़ा और व्यू दिखा देता हूँ। अभी यहाँ से आप मेरे पीछे जो व्यू देख रहे होंगे ना, यहाँ से पीछे ये नदी है, इस साइड आपको ब्रिज दिखेगा, बहुत मस्त व्यू है, बहुत ही मस्त। यहाँ पे गांधी बाग में मुझे मेरे कुछ सब्सक्राइबर मिले, इनका नाम है मोहम्मद और इनका नाम है फरहान। ये अब यहाँ के बारे में हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन देने वाले कि क्योंकि ये यहाँ के लोकल है, हम तो यहाँ पे सेकंड टाइम में आए इतने बार में, तो इनसे थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो हम इनसे थोड़े क्वेश्चन पूछ लेते हैं क्योंकि मैं तो यहाँ पे नया हूँ, तो इनसे पूछते हैं। आप लोग यहाँ पे कितने साल से आ रहे हो? 15 साल से। और आपकी एज कितनी है? मेरी 18 है। ओके, 18 और 17, यानी ये लोग यहाँ पे जब बचपन से ही यहाँ पे आ रहे हैं तो इनको यहाँ के ज्यादा नॉलेज होगी और यहाँ पे इन लोगों का पूरा बचपन ही गुजरे ऐसा हम बोल सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे बचपन में क्या क्रिकेट खेलते थे या क्रिकेट फुटबॉल ओके फोटो शूट के लिए भी ये प्लेस बहुत बढ़िया है, इन लोगों ने बोला है। अभी मैंने यहाँ पे एक जन का फोटो शूट होगा तो देखा, तो ये लोग यहाँ पे बचपन से आ रहे हैं और ये लोग बोल रहे हैं कि आपको ये प्लेस कैसी लगती है गांधी बाग? बहुत ही अच्छी है, एक तो हमारे पहले तो नजदीक पड़ती है और खेलने में भी अच्छा है, ग्राउंड भी अच्छा है, ग्राउंड यहाँ पे बहुत बढ़िया, बहुत हमारे सेटिस्फेक्शन है। टेनिस प्लास्टिक जिसको खेलना होगा हमारे सेटिस्फेक्शन के हिसाब से ये गार्डन सबसे बेस्ट है। और यहाँ स्केटिंग भी होती है, स्केटिंग भी होती है इधर, अभी तो स्केटिंग 4 बजे बाद होती है स्केटिंग, यहाँ पे स्टेडियम है ना उधर, वहाँ स्केटिंग होती थी। यहाँ पे स्केटिंग भी होती है, क्रिकेट भी आप खेल सकते हो और सब, यानी बहुत मस्त है। आपका यहाँ के ग्रीनरी के बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि मैंने इसमें अपने वीडियो बहुत बार बोला कि ग्रीनरी यहाँ की मस्त है, तो आप ग्रीनरी यानी अदर गार्डन के हिसाब से यहाँ की ग्रीनरी बहुत अच्छी है, यानी अभी तक कम नहीं हुए, जब से हम पहले से देख रहे हैं तब से अच्छी, अभी ऐसी बरकरार हो रही है। वही तो, क्योंकि चौक एरिया में ऐसा गार्डन होना जहाँ पे इतनी वो भी ग्रीनरी, क्योंकि ये एरिया है ना वो ज्यादातर भीड़ भाड़ वाला है, यानी उसके बीच में ऐसा गार्डन होना वो भी इतना बढ़िया, मॉर्निंग में वॉकिंग में खेलने में संडे का पूरा बाजार भरा था यार, संडे ओके यहाँ पे संडे को पूरा बाजार भी भरा था, कपड़े शूज जो लेना सैटरडे, एक्चुअली उसे शनिवार बोलते है, पहले वो हर सैटरडे होती थी और अब से वो सैटरडे की जगह पे संडे होने लगी है, वो उसका भी आप लोग बोलेंगे तो उसका भी एक व्लॉग ले ही लेंगे। तो थैंक यू आप लोगों ने इतनी इन्फॉर्मेशन दी इसके लिए, बाय। ये जो आप पहले देख रहे हो ना, ये पूरा स्विमिंग पूल था और यहाँ से पानी निकलता था यहाँ से, और ये पूरा डैम जैसा बनाया था, बहुत ही मस्त बनाया था, ये मुझे इन लोगों ने बताया है। लेकिन अभी तो ये पूरा गंदा हो चुका है और अभी यहाँ पे पानी, अब स्विमिंग जैसा कुछ बचा नहीं है। ये लोग बोल रहे थे कि इन्होंने यहाँ पे स्विमिंग भी किया है। हम लोगों ने गार्डन पूरा देख लिया है, मैं घर के लिए जा रहा हूँ, उससे पहले मुझे बीच में से जो पबजी का लाइव स्ट्रीम करने वाला हो वो गेम ले परचेस करने के लिए जाना है, तो चले पहले हम परचेस करके आते हैं गेम। बहुत ही मस्त गार्डन है, बाकी का रिव्यू मैं आपको बाद में देता हूँ। और यहाँ हमारा आज का व्लॉग एंड होता है। आज जो मैंने आपको दिखाया वो गांधीबाग था और वो चौक बाजार के पास आया, बहुत ही मस्त प्लेस है और वो एकदम ग्रीनरी वाला है, वहाँ पर एकदम ग्रीनरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कल एक नए व्लॉग के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक बाय बाय, अलविदा।